हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2 को देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं चंद्रयान 1 के बारे में जान लेते हैं। ठीक, चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और यह PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसकी जो लागत थी 386 करोड़ रुपये थी। ठीक, और बता दें आपको, यहाँ चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, और यह द मून मेनरोट्रोजी मेपर M3 द्वारा उपलब्धता। और आगे बात करते हैं, अब चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसे भी श्री हरिकोटा रेंज से 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। वो आपको बता दें, ये चंद्रयान 2 जो है, ये GSLV Mach 3 M1 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसे GSLV Mach 3 को बाहुबली भी बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है चंद्रयान 2 में कि चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से की जानकारी उपलब्ध कराएगा ये चंद्रयान 2। और इसे देख ही लिया कि 978 करोड़ रुपये लागत आई इसकी। ठीक है, इसके बारे में और अन्य तथ्य देख लेते हैं। यह चंद्रयान 2 पृथ्वी की 170 × 29 120 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और यह चांद की भौगोलिक संरचना, भूकंपीय स्थिति, खनिजों की मौजूदगी और उसके विवरण का पता लगाने, सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी के ऊपरी परत की माप, भौतिकी विशेषताएं का अध्ययन, चंद्रमा के अस्तित्व में आने तथा उसके क्रमिक विकास के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी इससे। ठीक, चंद्रयान 2 एक और इसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर, एक रोवर यूज किया गया। एक लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का विज्ञान विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है इसका। ठीक है, और ऑर्बिटर पेलोड 100 किलोमीटर दूर की कक्षा से रिमोट सेंसिंग अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर और रोवर पेलोड लैंडिंग साइट के नज़दीक इन सीटू आंकड़े एकत्रित करेगा। चंद्रमा के चट्टानी क्षेत्र रेगोलिथ की विस्तृत 3D मैपिंग की जांच करेगा चंद्रयान 2। चंद्रमा के आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन घनत्व और सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का भी अध्ययन किया जाएगा इससे। चंद्रमा की सतह के ताप भौतिकीय गुणों और वहाँ की भूकंपीय गतिविधियों को भी मापा जाएगा चंद्रयान 2 से। ठीक है, चंद्रयान 2 से इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिंथेटिक अपर्चर, रेडियोमेट्री और पॉलीमेट्री की सहायता से और व्यापक स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकियों से चांद पर पानी की मौजूदगी के ज्यादा से ज्यादा आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का संचालन करने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है भारत का। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है यहाँ कि धीरे धीरे उतारना किसी चीज को, हम लोग धीरे धीरे उतारते होते उसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, या किसी को डायरेक्ट ऊपर से गिरा देना वो सॉफ्ट लैंडिंग में नहीं रहता है। और चंद्रयान जो बन हम लोगों ने लॉन्च किया था, इसे ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं थी। आपको यहाँ और तथ्य जान लें, भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इससे पहले अमेरिका, चीन, पूर्व सोवियत संघ भी कर चुका है। तो याद रखिए, भारत दुनिया का चौथा देश है। चंद्रयान कार्यक्रम की घोषणा आपको बता दें 15 अगस्त 2003 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुई थी। अब यहाँ GSLV Mach 3 की बात कर लें, तो भारत का सबसे भारी 3 चरणों वाला विक्षेपण यान है। ठीक है, इसमें पहले चरण में 2 S-200 बूस्टर्स जिसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, दूसरा है L-110 कोर स्टेज इसमें तरल ईंधन का उपयोग किया जाएगा, और तीसरा है C-25 इसमें क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, इसमें तरल O2 और H
मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। जीएसएलवी MMAC-3 है जो 4 टन वजनी पेलोड है, जीटीओ में स्थापित किया जाए तक ले जाएगा ये, ठीक है। और 10 टन वजनी ये पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने की क्षमता रखता है। जो 4 टन वजनी पेलोड ले जाएगा वो जीटीओ जियो सेंचुरोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा, और 10 टन है जो ऐसे पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ने की क्षमता रखता है इसके पास। तो दोस्तों ये है चंद्रयान 2, तो याद रखिएगा। MK3 MAC-3 द्वारा, GSLV MAC-3 द्वारा छोड़ा गया है।